सुरनकोट में अवामी दरबार मुनक्कद, जिला तरक्याती कमिश्नर ने की दरबार की सदारत। अवामी मसाइल सुने और कई मसाइल का मौके पर ही किया हल, दीगर मसाइल जल्द हल करने की भी यकीन दहानी। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो एल जी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका आदेश है कि ब्लॉग दिवस को रखना है और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना है, जो जहां तक पॉसिबल हो उन समस्याओं का ब्लॉग दिवस में ही हल करना है। तो आज उसी कड़ी में हमने एक जहां डाक बंगला सुरनकोट में एक दरबार रखा था, जहां के जो DDC हैं और BDC और तमाम जो सरपंच साहिबान हैं वो आए थे। हर एक की समस्याएँ जहाँ सुनी गई और बहुत सारी समस्याओं का हल जो है जहाँ किया गया। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो मौजूद थे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो काम थे, उन्होंने जहाँ जहाँ सरपंच साहिबान ने इशू उठाए, उन्होंने बाखूबी से अपने अपने डिपार्टमेंट का जो है जवाब दिया और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में उनके डिपार्टमेंट जो हैं वो किस किस पंचायत में क्या क्या काम करेंगे। होली शहीद दिवस के मौके पर तकरीबात का सिलसिला आज भी रहा जारी। शहीद मनजीत सिंह की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आगाज, पुलिस ऑफिसरान रहे इस मौके। पार्टियर्स डे जो है, इसके सिलसिले में हमारी 10 दिन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको याद करने के लिए। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि आज हमने यहाँ पे पुंछ में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया और एक मैच करवाया जिसमें मंजीत सिंह क्लब जो है उन्होंने जीता। तो इसी सिलसिले में मैं पुंछ के लोगों से, आवाम से, बच्चों से और ख़ास तौर से प्लेयर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लोग खेल में ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी ध्यान दें और जहां कहीं भी पुलिस की जरूरत। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, कई गाड़ियां की गई जब्त, दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान काटे गए और हजारों रुपये जुर्माना वसूला गया। सुबह से हमने डिजायर्ड बाई SSP रूरल जम्मू, DYSP ट्रैफिक RP रेंज रजौरी, उनकी हिदायत से हमने ये वहाँ पे स्पेशल ड्राइव चलाई है। जो भी रॉन्ग पार्किंग आज गाड़ियाँ मिली हैं हमने, जैसे हॉस्पिटल रोड हो गई, नाखा वाली रोड हो गई, बस स्टैंड हो गया, तो यहाँ पे हमने सुबह से 6-7 गाड़ियाँ हमने रॉन्ग पार्किंग की लिस्ट की हैं और मौके पर ही 3-4 गाड़ियों को हमने फाइन दिया है। तो क्या सर, लोगों से क्या अपील करोगे? मैं लोगों से अपील करता हूँ, बार बार आपके माध्यम से हर बार ये अपील करता हूँ कि आप ये पुंछ की रोडों पे गाड़ियाँ पार्क ना करें। अजोट में बॉर्डर प्रीमियर लीग का आगाज, सरहदों के करीब रहने वाले नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने के लिए किया गया।
तो आज आपने उजोट में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया गया है, इसके हवाले से बताएं। सर ये कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ गुरपुर इस ग्राउंड में बॉर्डर एरिया जो है यहाँ पर लिया गया है, तो इसके जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं जैसे कि यहाँ पुनीत कुमार हैं, मुन्ना जी हैं, हरसिमरन हैं, अमरपाल हैं, बाकी के कुछ मेरे जो साथी हैं उनका मैं नाम तो सबके नहीं जानता, लेकिन यह कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये यूथ को एंगेज करने का। और ये बिल्कुल जो है आप देख रहे हैं कि IPL जैसे है, जो अभी आप देखते हैं कि उसी बिल्कुल पैटर्न पर ये करवाया जा रहा है। तो इससे पहले जो पुंछ में एक PPL जो करवाया गया, तो ये एक बॉर्डर जो बिल्कुल बॉर्डर के पास का एरिया, तो ये मेरे जो मैं फ्रेंड ही कहूँगा इनकी एक सोच थी कि एक टूर्नामेंट हमने इस ग्राउंड में भी करवाना है। मेंडल के नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान और लीडरान ने खिताए पीर पंजाब के अवाम का किया शुक्रिया, कहा जिन्होंने कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दौरे को बनाया कामयाब। जावेद राना को खिताए पीर पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बनाने का भी किया वालेहाना। लोगों ने उनकी रैलियों के अंदर उनके वेलकम के लिए शमूलियत की, हम दिल की अमीक तरीन गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और आवाम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो लोग जम्मू जम्मू करके हमारे इन दो खित्तों की आवाज़ को, बिलखसूस खित्ता चनाब और खित्ता पीर पंजाल की आवाज़ को दबाना चाहते थे, उनको जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़ी नुमाइंदगी को मंजरे आम पर लाया है। ऑटोनॉमी की जो रिपोर्ट असेंबली के अंदर पास की गई थी कि इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम कोई मजीद तकसीम नहीं चाहते, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के जरिए अहतमाम खित्ते का जो तस्वर दिया गया था, दो सूबों का जो तस्वर दिया गया था, उसकी एक शुरुआत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जुल्फिकार पठान ने महेंद्र में की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम महिंद नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया। प्रेसिडेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को यहाँ भेजा और मनोज सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे पुंछ के अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि DC साहब हैं, SSP साहब हैं, हमारी मेंडर के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे लोग दिए हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रहा मसला पहाड़ियों का, तो 24 तारीख को जब अमित शाह जी जम्मू में वो तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाएगी। मेंडर के पंचायती मेंबरान ने जराय अबला के नुमाइंदगान के साथ की बात, इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर से तामीरती कामों को शुरू करवाने का किया मुतालबा। जब भी कोई मुश्किल आई तो आपने हमारा साथ दिया, तावन दिया। आज जो जिस मकसद को लेकर हम यहाँ आए हैं वो ये है कि हमें एक दुश्वारी आ रही है, संत स्पॉन्सर जितनी भी स्कीमें हमारी इसमें पंचायत के जरिए एग्जीक्यूट की जानी थी और उनको आज तक सही प्रॉपरली पेंडिंग नहीं हो सकी है, उसकी एस्टिमेशन नहीं हुई है।
मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि बैक टू विलेज आज तक वो उसके हमें मिला था उसकी टेंडिंग नहीं हुई, टेंडर हो भी क्या था उसके तक वो खुला नहीं। आज़ादी का महोत्सव के तहत राजौरी में बाइक रैली निकाली गई, जिला तरक्याती कमिश्नर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। राजौरी से निकाली गई रैली में 40 मोटरसाइकिल सवार हुए शामिल। नवशहरा और सुंदरबनी के रास्ते कालाकोट से होते हुए राजौरी में आकर दोबारा से होगी रैली इख्तिताम पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत बड़ा पैकिंग का ग्रुप जो है उसने के लिए हमें बताया दिवाली की आमद है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों की तैयारियां जारी है। मिट्टी के दिए बनाने का काम भी जोरों शोर से जारी, कदीम तरीके कार से बनाए जाने वाले दिए किए जा रहे हैं। दूर मिट्टी दूर से लाने पड़ती है, जहाँ पे गाड़ी पे वो जम्मू साइड से लाने पड़ती है और फिर कठू पर लाते हैं हम मिट्टी, तो वो तोड़ते हैं, फिर उनको सकाना पड़ता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसको अच्छी तरह से गोंदने पड़ता है, तो गोंदने में उसके बाद फिर उसको मिट्टी को एक थड़ी लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद हम मिट्टी बनाना बर्तन बनाना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर में जो जितना भी सब परिवार है। नवशहरा के शहरी इलाका में अवामी दरबार मुनक्कद, DDC राजौरी ने अवामी मसाइल सुने और मौके पर ही कई मसाइल को किया हल। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो था उसकी कंटिन्यूटी में था और यहाँ आज शहरी ब्लॉक का यहाँ पे रखा था पब्लिक दरबार। यहाँ पंच सरपंचस, VDC, DDC, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सारे तमाम जो लोग थे वो आए, उन्होंने अपने मसाइल यहाँ रखे। गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों के घर तक पहुँचा जाए, उनके मसाइल जो हैं वो सुने जाएँ, ये उसके ही कंटिन्यूटी में था। और जहाँ लोग आए हैं उन्होंने अपने मसाइल बोले हैं, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे उनका केस। तो इस तरह से आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी ब्लॉक, बिल्कुल ऐसे होगा, पहले भी किए थे लेकिन हालिया बर्फबारी के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मुकामों पर एक बार फिर से सियाहों की भीड़। सोनामर्ग में बुध के रोज सियाहों की गहमा गहमी,
सियाहों ने इस साल सोना मर्ग को सर्दियों में भी सियाहों के लिए खुला रखने पर इंतजामिया के फैसले को सराहा। तो बहुत इंटरैक्टिव है और यही है, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर सब लोग आए और यहाँ मतलब और भी भीड़ बढ़ाए। चिनार ब्रिगेड श्रीनगर ने किया खेलों का एहतमाम, इलाका के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने ताइक्वांडो और दीगर खेलों में अपना हुनर का किया इजहार। NIA की जानिब से बांडीपुरा में रेड, मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम जारी। डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में कश्मीर के शोरा उदबा की जानिब से उनके चेहलों पर की गई तकरीब मुनक्कद। अजीज हाजनी की से मुंसलिक मुख्तलिफ जबानों में लिखी गई किताबों की भी की गई रस्में रोनमाई। कारों को याद करते थे और उनके हवाले से वो तकारीब का एहतमाम किया करते थे, चाहे वो फौजी अकादमी के सेक्रेटरी की हैसियत से, फौजी मरकज कमराज के प्रेसिडेंट या सरबराह की हैसियत से, निगरान की हैसियत से, या इसी तरह उनका वहाब ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ भी एक गहरा ताल्लुक रहा है, हल्के अलसलाबारी के साथ भी वापसी रही है। उनकी हमेशा कोशिश रही है कि उदबा शोरा और कलमकारों के कारनामों को उबारा जाए, उजागर किया जाए और आम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला जेल पुंछ में महफिल मुशायरा का किया गया एहतमाम। सुपरिटेंडेंट जेल और कल्चरल ऑफिसर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस अलमदार आदम की क़यादत में मुनक़दा मुशायरे के दौरान पुंछ के मारूफ शोराए कराम ने अपना कलाम पढ़कर कैदियों की तफरीह की। तो जिसको उसे रिपेंट करना और वापस उसी माशरे में जाना है, तो इसके साथ उसकी कुछ लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज कटेल होती हैं, लेकिन बाकी के जो उसके ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी आइडेंटिटी है, वो तो खत्म नहीं होती।